हेलो दोस्तों, नमस्कार। गुरु मंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश। दोस्तों, आज हम गुरु मंत्र में बात करेंगे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। दोस्तों, आज तकनीकी दुनिया है, हर चीज़ टेक्निकल हो चुका है। अगर आप टेक्निकल फील्ड यानी कि आईटी से संबंधित इस फील्ड में अपना आप करियर बनाना चाहते हैं तो इस लिहाज से गुरु मंत्र का ये एपिसोड आप देखना ना भूलें। तो मैं बता दूं कि आज हम अपने टॉपिक में बात करेंगे आईटी से फील्ड, आईटी से रिलेटेड कुछ तमाम जो टॉपिक है और काफ़ी सारे नेटवर्किंग के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि अगर आईटी फील्ड में अगर आप करियर बनाना चाहते हो तो क्या महत्वपूर्ण बातें हैं जिस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो मैं बता दूं कि आईटी पर अधिक बातचीत करने के लिए, इसी विषय पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं आईटी एक्सपर्ट सर्वजीत कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर्वजीत जी। जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, तो हम जरूर चाहेंगे कि जो आपका जो इंट्रो है, जरूर चाहेंगे कि आप अपने विषय बारे में बताएं कुछ हमारे दर्शकों को। मेरा नाम सर्वजीत और मैं अभी NIC नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर ऑफ इंडिया की संस्थान है, उसमें एज अ सीनियर प्रोग्रामर वर्क कर रहा हूँ पटना स्टेट सेंटर के अंदर में, जिसके अंदर में गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें राजभवन भी, राजभवन का प्रोजेक्ट है, NIT पटना का प्रोजेक्ट है, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट है, NNM नालंदा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अफेयर्स यूनिवर्सिटी है नालंदा के अंदर में, उसका प्रोजेक्ट है। ये तमाम प्रोजेक्ट्स को अभी हम देख रहे हैं। इसके अलावा पार्ट टाइम में या सैटरडे संडे को हम कॉलेजेस में क्लासेस भी लेते हैं, साथ में बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट वो क्लास प्रोवाइड कराते हैं, खास करके कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स को जो कि बहुत ही मध्यम वर्ग से आते हैं, जिनको कॉस्टली जो क्लासेस होते हैं पैसा देना पड़ता है, उसके लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट राजीव नगर में एक टेक्निकल क्लास है, वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म दिए हैं। बहुत सारे बच्चे वहाँ, लगभग एक बैच में 500-600 बच्चे होते हैं जिनको हम सैटरडे संडे को क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं, ताकि उनको पता चले कि आईटी फील्ड में क्या है। एक जो मिथ बना हुआ है कि आईटी में सैचुरेशन आ गया है, इसमें जॉब की कमी हो गई है, पहले वाली बात नहीं रही, ये सारी जो अफवाह है इसको क्योंकि अगर आईटी में सैचुरेशन रहता तो अभी भी जो टॉप रैंकर्स NIT और IIT के जो टॉप रैंकर्स होते हैं उनका फर्स्ट च्वाइस IT और कंप्यूटर साइंस ही होता है। तो फिर अगर ऐसा है तो नहीं होना चाहिए था। तो इन्हीं सब बातों को अवगत कराना है कि नहीं आप में, तो हम लोग उसको प्राप्त कर सकते हैं जी। ये तो आपने बारे में बताया और साथ ही साथ आपने ये भी बताया कि जो कंफ्यूजन, एक ये कि मिथ्या जो आपने बताया, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि मैक्सिमम जो स्टूडेंट होते हैं इसको लेकर कहीं ना कहीं उनके बीच अवेयरनेस नहीं है। तो पहले हम चाहेंगे जो स्टूडेंट अपना करियर आईटी फील्ड में बनाना चाहते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात, उनका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए इस फील्ड को लेकर? जनरली यहाँ हम लोग के यहाँ ये टेंडेंसी है कि जो बच्चे आईटी फील्ड से बिलोंग करते हैं, कंप्यूटर साइंस से बिलोंग करते हैं, वो ग्रेजुएट होते हैं जनरली, या डिप्लोमाधारी होते हैं, जो पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट होते हैं, या ग्रेजुएट इन सेंस ऑफ सिंपल ग्रेजुएट लाइक BCA, BSc IT, और इवन इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट जो BTech या BE होते हैं, वो एक फर्स्ट प्रायोरिटी होता है आईटी वाले स्टूडेंट, उन्हीं को हम लोग आईटी वाले स्टूडेंट बोलते हैं। तो ये तो मिनिमम लेवल है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए जी। इसके अलावा जो ऐसा नहीं, आईटी फील्ड में कोई ज़रूरी नहीं कि कंप्यूटर साइंस में ही ग्रेजुएट हो तभी आईटी में हम लोग कैरियर बना सकते हैं। आपको उसमें समझ होनी चाहिए, आपको लगन होनी चाहिए कि इंटरेस्ट, सबसे बड़ी बात है कि आपको इंटरेस्ट है कि नहीं। अगर आपको प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है कि हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, आपको अगर डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है कि हम अच्छा डिजाइन बना सकते हैं, आपको इंटरेस्ट है कि नहीं हम मल्टीमीडिया में अच्छा सा गेम का कॉन्सेप्ट अगर आपके पास है, आप भी इस फील्ड में आ सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हम MTech होंगे कंप्यूटर साइंस में और BTech कंप्यूटर साइंस में होंगे तभी हम लोग कंप्यूटर साइंस में करियर बना सकते हैं। पहला बात ये बात ध्यान देना है, मेन बात है कि आप कितना सीख रहे हैं, सही में कितना सीख रहे हैं, और जो काम सीख रहे हैं उसको प्रैक्टिकली कैसे हम लोग को इम्प्लीमेंट करना है। IT मीन्स प्योर प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, यहाँ पे इतिहास नहीं है कि हम लोग को याद करना है, जो भी काम करना है उसको सीखना है और प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करना है। साथ में दूसरी बात, हम लोग को पास्ट के बारे में ज़्यादा नॉलेज रखने का ज़रूरत नहीं है। सभी बच्चों को मेरा ये है बताना है कि पास्ट में क्या हुआ, C++ कब आया, किसने दिया, ये मैटर नहीं करता है। अभी कौन सा टेक्नोलॉजी है, आने वाले दिनों में किस टेक्नोलॉजी पे काम होगा, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
बशर्ते कि पीछे वाले चीज़ों को हम लेकर चले। जैसे हम लोग के समय में जब हम लोग पढ़ते थे उस समय कोबोल टाइप का एक लैंग्वेज हुआ करता, बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज हुआ करता है, लेकिन अभी वो कहीं पे भी नहीं है। मार्केट में अगर हम कोबोल जानते हैं कोई पूछने वाला नहीं है हमको। तो करंट टेक्नोलॉजी के साथ आपको अपडेट होना पड़ेगा, सबसे पहला चीज़ यही है जी। वाकई में अगर बने हम करियर बनाना चाहते हैं आईटी फील्ड में, तो सबसे बड़ा फैक्टर या सबसे बड़ा मुद्दा ये होना चाहिए कि आपको उस फील्ड में इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी आप उस फील्ड में आगे जाकर कुछ कर सकते हैं। सरबजीत जी, जैसा कि आपने बताया कि बिना इंटरेस्ट के जो भी स्टूडेंट है अगर वापस इसमें आते भी हैं तो शायद वो आगे नहीं जा पाएंगे। तो अगर हम बात कर रहे हैं, अगर कोई स्टूडेंट प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है, BCA कर रहा है या फिर MCA कर रहा है, तो क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्या जरूरी उनके सब्जेक्ट होने चाहिए, क्या प्रैक्टिकल उन्हें आना चाहिए कि आगे जॉब का जो रिक्वायरमेंट है वो कम से कम फुलफिल हो उनके लिए? देखिए, इस बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। इसका सही जवाब देने के लिए थोड़ा सा हमको टाइम चाहिए। बिल्कुल, ये सबसे पहले तो हम लोग जब एकेडमिक में पढ़ते हैं, जो बातें हम लोग के सिलेबस में डिजाइन रहता है, वो जो अच्छी यूनिवर्सिटी है उनके सिलेबस तो बहुत ही अपडेट होते हैं, करंट मार्केट के अनुसार अपडेट होते होता है। लेकिन हम लोग के यहाँ जो